दिल्ली में नई आबकारी नीति पर संग्राम लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी की ये मांग है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी की अगुवाई में ये प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है, उसमें कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बात करेंगे हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन सवाल वही एक्साइज पॉलिसी का, मांग क्या कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही है और उसका कहना है कि जिस तरीके से नई शराब नीति दिल्ली में लागू की गई है उससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने शराब माफियाओं को छूट दी है और इस घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का घाल मेल हुआ है और इसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक व सांसद हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि कैसे ये सही नई शराब नीति दिल्ली में लागू की गई है उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया गया है और हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। यही वजह है कि जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए तो बैकडोर से इस पॉलिसी को वापस लेने की कवायद शुरू हुई और यही वजह है कि अब शराब नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी हुई है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक यहां पर पहुंचे हैं प्रदर्शन के लिए, उसको लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब चौतरफा घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है ताकि सरकार इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा करे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, क्या कहेंगे आखिरकार यह प्रदर्शन संसद से लेकर के, खासतौर से माफ कीजिएगा, सदन से लेकर के सड़क तक हो रहा है। हम सदन से लेकर सड़क तक हम घेराव कर रहे हैं और केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनके मंत्रियों ने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं और केजरीवाल जी खुद उसमें संलिप्त हैं। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल जी बिल्कुल तुरंत का तुरंत तत्काल मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएं और जब तक वो नहीं हटाते हैं तब तक पूरे दिल्ली के कोने कोने पर यह आंदोलन चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो विधायक हम उनसे बात करेंगे। आप लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल है, क्या कहेंगे? आखिर आप लोगों ने सदन में भी प्रोटेस्ट किया, इस पर चर्चा की मांग की, अब सड़क पर उतर के भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं और जो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे, आज खुद करप्शन में उनकी पूरी पार्टी इन्वॉल्व है और हम सदन में चर्चा चाहते हैं, वो हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने आज भी हमको सदन से मार्शल के द्वारा हम लोगों को बाहर फेंकवा दिया। और भी कई विधायक हमारे साथ हैं, आप बताइए, आप लोगों ने भी इस पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, अब सड़क के आ गए हैं? निश्चित रूप से हाउस में से जिस प्रकार से हमको बाहर करने का रास्ता इन्होंने अपनाया है, आज ही मैंने सदन में कहा है, जब आपको 3-4 दिन सदन चलाना था
तो नोटिस क्यों नहीं दिया? तीन चार दिनों के अंदर कम से कम हम लोग अपने 280 भी लगाते, क्वेश्चन भी लगाते, सब कुछ लगाते, लेकिन ये ना नियमों को मानती है, ना कायदे को मानती है, ना कानून। तो सभी विधायक बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे हुए प्रदर्शन के लिए, क्या कहेंगे? आप भी विधायक हैं और आप भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, आखिर मुद्दा क्या? चौतरफा केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखो, हम कोई मुद्दा में नहीं फंसना चाह रहे, हम एक ही बात पिछले तीन दिन से कह रहे हैं कि आप जो नई शराब नीति लेके आए थे तो सीबीआई का मुकदमा दर्ज होने के बाद क्यों चोर दरवाजे से लेके भागे? आपने हाउस में डिस्कस किया था, हाउस में प्रस्ताव लेके आए थे तो वापस